हमारी एक एम्बुलेंस थी और वो भी उन्होंने अटैच कर दिया पड़वाल गरीब लोगों को लिया थे अटैच कर दिया पड़वाल तो उसके लिए बायोमेट की बड़ा ट्रांसफार्मर बड़ी जब भी हम जाते हैं वो भी जे जे हम बताते हैं हमें जल जीवन में आएगा पैसा था एक लेवल जो भी छोटे मसले कि जिसमें आपस में कोई गाली गलौज हो गई कोई लड़ाई हो गई घर का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बन गया ठीक है इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि सारे मसले सरपंचों से ही सॉल्व हमारी भी ये कोशिश रही कि जितने भी मसले हैं वो सरपंच इन्वॉल्व हों जब तक कि हमें ये पता है कि सरपंच किसी की पार्टी नहीं बना ठीक है देखो खुल के बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ अगर सरपंच सरपंच की तरह डील कर रहा है तो पूरी सपोर्ट 100% लेकिन उस मसलों में जहाँ पे छोटा कोई ऐसा मसला है कि कोई छोटी लड़ाई है कोई घर का कोई डिस्प्यूट है कोई छोटा मोटा झगड़ा है जैसे मैंने लैंड की बात की लैंड का कोई है बैठ के फैसला लेकिन जहाँ एक क्राइम हीनियस नेचर का हो गया जहाँ एक क्राइम जिसको टेक्निकल वर्ड में मैं बोलूँगा जिसमें 2 या 3 साल के ऊपर सजा वहाँ सरपंच साहब से सिर्फ हम इनपुट लेते हैं कि आप एविडेंस उसको तो हम टैकल भी नहीं कर सकते हमें FIR देनी ही देनी है आप एक आदमी आता है दूसरे का सर फाड़ देता है ठीक है पता लगता है उसको उनकी उल्टियाँ हो रही है हम कहेंगे कि फैसला कराना मुझे ठीक है बोलिए तो ये मैं आपको दोनों चीजें SHO साहब भी बैठे मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि जो छोटे मोटे मसले आते हैं इवन लैंड के घर की लड़ाई के भाइयों में कुछ हम भी सरपंचों के थ्रू ही उसको रिजॉल्व करेंगे कि फालतू में लोगों के खिलाफ पर्चे लगा के हमें क्या मिलेगा ठीक है लेकिन जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है तो सरपंचों से चौकीदार नंबरदार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली हमें पता है देखो जो हमारे चौकीदार और नंबरदार हैं वो तो जाब्ता में भी बॉन्ड है हमें बताने के लिए ठीक है उनको तो जाब्ता ही पकड़ लेगा अब कितने ऐसे चौकीदार नंबरदार हैं जिन्होंने हमारे पास आज तक रिपोर्ट की होगी कि सर वहां से इलीगल माइनिंग हो रही है या फिर वहां से इनलीगली स्टेट लैंड को इंक्रो छोड़ा ठीक है तो आप लोग बाउंड हो उसके हमारे पास थाना चाहिए पुलिस का लैंड रिजॉल्व में रोल जो है वो लास्ट थाना ये मैं भी मानता हूँ और मेरी बात अगर आप पकड़ोगे तो इसमें बेस्ट है आपके लिए क्योंकि ये सिर्फ मसला आपका अपना किसी गांव के काम का नहीं है आपस में भी आपके मसले हैं लैंड और सबसे ज्यादा गरोड़ा में है लैंड के मसले खासकर जब से रिपोर्ट वगैरह निकली है तो तब से वो लैंड की उससे बढ़ गई लेकिन मेरा उसमें सिंपल है कि अगर लोग लड़ेंगे मैं दोनों को पर्चा दे दूंगा नंबर एक अगर मसला है सरपंच से रिजॉल्व होगा देखो पर्चा लगा के लैंड सॉल्व होगी नहीं होगी ना आपसे उठने का पर्चा उल्टी आपको परेशानी बन जाएगी आपने मैंने इनको मारा इन्होंने मुझे मारा दोनों को 307 महीने दे देना फिर वो 307 में 7 साल सजा और कोर्ट में 4-5 लाख रुपए अपना वेस्ट करेंगे लैंड का मसला वैसे ही लैंड का मसला वैसे ही सो बेटर है कि आपके जो सरपंच है आपके जो DDC है आपके जो DDC उनसे इन लैंड के मसले को सुलझाओ या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ तक इन्वॉल्व हो सकता है ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी जब टेंडर्स होते थे उसमें काफी पैसे का झोलझाल होता था इसमें कोई दो राय फिर सरकार ने इस चीज को ठीक करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जिससे करप्शन कंट्रोल हो सके उसमें एक मेजर ये लिया कि जब भी प्रोजेक्ट बनेगा वो फुल प्रोजेक्ट बनेगा इंक्लूडिंग मटेरियल एंड सप्लाईज जिसमें पाइपें वाइपें सब उसमें आ जाएंगी उस वजह से पाइपें कभी बाहर मिलती नहीं है अब सेपरेट उसका टेंडर होता है तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन आपकी बात सही है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर सड़ जाता है या कोई पाइप टूट जाती है उसकी रिपेयर का जो एक प्रोविजन है वो एटलीस्ट XCL लेवल पे या AEE लेवल पे या जो भी अप्रोप्रिएट लेवल है विद जो उनकी फाइनेंशियल पावर्स के हिसाब से रख देना चाहिए ताकि वो लोगों को
वो इमीडिएट सहूलियत उसके पास वो मैं मानता हूँ, मैं ये बात प्रोजेक्ट नहीं कर दूंगा। सर एक पॉइंट और है, प्लीज प्लीज सर, हमारे जो जैसे हम आरडीडी के थ्रू रूरल डेवलपमेंट हम को रोड निकालते हैं, ट्रैक्टर रोड निकाल रहे हैं किसी गाँव में लेने के लिए, हमारे ज्यादातर तो स्टेट लैंडिंग मिले लोगों की, तो लोगों ने कब्जा तो किया है, हम तो उसमें कुछ आए नहीं, लेकिन लोग उस वहाँ पे इशू क्रिएट करते हैं कि मैं जमीन यहाँ पे दूंगा, मैं ऑलरेडी उसके लैंड है, तो हम उसके ऊपर कि हमारा अगर डिपार्टमेंट उसे कॉपरेट करे उस टाइम। मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी लैंड का प्रोसीजर है, आपस में लड़ाई है, कुछ है कहीं पर, और ये मैं अक्रॉस अपना परेड से लेके जो मेरा कोर्ट एरिया में सबके लिए बता दूँ, पहले है आपके सरपंच जो आपका एक बंदा है जिसको आपने नियुक्त किया है आपकी इन मसलों को सॉल्व करने के लिए, उनको हम भी सपोर्ट करते हैं जहां उनको हेल्प चाहिए, अगर वहां नहीं होता आपके डीडीसी चेयरमैन, आपके डीडीसी साहब हैं, ये है आपका जो आपने नियुक्त अपना किया है, आपने सिलेक्टेड लोग, इनसे पहले इसको रेजोल्व कराओ, बिठाओ, बात करवाओ आपस में कोई भी हो, और उसमें कभी परवाह नहीं करनी, बस आप सब एक जगह रहते हो, आप एक जगह से जाने जाते हो, उसमें ना धर्म है, ना जात है, ना पात है, ना कुछ है, वो बिठाओ, तो ये जो आपके हमने बोला भी जा रहे हैं जवाब दिया है तो आप थोड़ी चले जाइए इस बात। अच्छा एक चल सकती है, और हमारे भी कुछ मोहल्ले हैं जहाँ मतलब पाइपों की जरूरत है, वो टनल ऑलरेडी बड़ा हुआ टनल नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, देखो सर मैं कह रहा हूँ आपके साथ इसमें पर्देदारी नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ आपको पुलिस कोई उसका मसला टाई अप करते हैं, शांट आउट करते हैं, टाई अप की एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास एक मैं जनाब से भी मिला दो बार आकर के, जिसके पास मेरी वो तवीज थी, वो बोलते हैं हवालदार कि ये पार्टियां हमें चाहिए ही चाहिए, 35 रुपए अपनी जगह है, हम देखते हैं क्राइम कहाँ हो रहा है, आप क्राइमल क्रिमिनल को बचा रहे हैं, इसलिए ये बंदे हमें इधर चाहिए चाहिए, आपकी ये टाई अप की एप्लीकेशन नहीं चाहिए। तो उस मसले में जनाब से मिला, जनाब ने साथ भी दिया, उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप, मैं तो बैठा हूँ देख ले। उस अगर हमें चुना है नंबर इन्वेस्ट करके दोनों भाइयों में सुलह करा दी, उसके साइन दोनों के करा दिए, कोई दरख्त था कि छोटा सा वो उधर को दे दिया उधर को दे दिया, मसला हल हो गया, उसमें हमें सपोर्ट चाहिए बस। बेसिकली एलजी साहब की एक डायरेक्शंस आई हैं और गवर्नमेंट की भी ये डायरेक्शंस हैं कि एक थाना दिवस हर एक ब्लॉक में किया जाए, जिसमें लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं, जो इश्यूज हैं, चाहे वो पुलिस महकमे के रिलेटेड हो या कहीं और रिलेटेड हो, किसी भी सिविल महकमे के या किसी भी डिपार्टमेंट के, तो वो हम सुने और लोगों के वो जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, वो हम सीनियर फॉर्मेशन तक पहुँचाएँ जहाँ पर उनका रेजोल्यूशन हो सके। तो आज उसी में मैं अपने डीडीसी चेयरमैन जी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बीडीसी जी के भी, और जितने सरपंचेज हैं वो मथवार ब्लॉक के, वो यहाँ आए हैं, उन्होंने काफ़ी इश्यूज हमें पॉइंट आउट किए हैं जिसमें मेजरली बिजली पानी की रिलेटेड समस्याएं हैं, और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि ये सारे इश्यूज जो रेलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, और जो हमारे लेवल के इश्यूज हैं कोई पुलिस रिलेटेड हैं उनका निजात हम इमीडिएटली उनको करते हैं। मैं डीडीसी नगरोटा मथवार जोगिंदर सिंह उर्फ कापू, अज SDPO साहब साढ़े इत्थे आए दे ने, कन्ने गै साढ़े SHO गरोटा मथवार ब्लाक की अज जिहड़ी PRIs की मीटिंग ही। एक मैं गल आखना तावे कन्ने, जिहड़ा साढ़ा मथवार ब्लाक है, इत्थे अस जिन्ने भी लोग हाँ वो अग्गे गै एक गुलदस्ता टाइप हाँ, गुलदस्ता किसकी आखदे ने, जिहदे विच हर किस्म का फुल लगे दा हुंदा, इत्थे साढ़े जिहड़े ST कम्यूनिटी के भरा न जां जिहड़े अस हिंदू हाँ, साढ़ा जिहड़ा बजुर्गों का पिछला रिश्ता जिहड़ा बजुर्गें बनाया दा उसकी अज भी असें कायम रखे दा है। एक गल की बड़ी खुशी है, मैं अपने सारे जिन्ने PRIs ने, जिन्ने भी साढ़े इस मथवार ब्लाक के जिन्ने भी बछिंदे ने, मैं उन्हें एक गल की मुबारकबाद जरूर देना चाहंगा। अज कोला पिछे जिहड़ा एक फासला है ना पुलिस का ते पब्लिक का, अज जिहड़े साढ़े इन्ने काबल अफसर जिहड़े SDPO अखनूर ने, साढ़े SHO गरोटा ने, इंदे कोला पहले भी जिहड़े दो SHO साहब साढ़े इत्थे गरोटा पुलिस स्टेशन च रही है ने, इन्हें उस जिहड़ी दूरी की मिटाई दिता है। अज JKP का फुल भी साढ़े मथवार ब्लाक का जिहड़ा गुलदस्ता उहदे विच लगेगा। इन्ना गै आखदा जी, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।